हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मरियम? हाय गर्ल्स, बच्चे बच्चे कैसे हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सेम टू यू डियर। हाय बशारत सिद्दीकी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो गर्ल्स मेरे साथ कोर्स कर रही हैं वो मुझे अपने रियल नेम बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो है वो आईडीज नेम आ रहे होते हैं। थैंक यू बशारत सदीकी। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त जो लाइव आई हुई है वो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देती जाए। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं सबको बताती चलूँ कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं, और जैसे कि मैं आप लोगों को पता है करवाती चली आ रही हूँ। पहले हम लोग सिर्फ जो है वो ऑनलाइन मेकअप कोर्स कर रहे थे, जबकि अब हम लोग जो है वो ऑनलाइन मेकअप कोर्स तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने हेयर कटिंग कोर्स भी स्टार्ट किया है। और इसके बाद जो है हेयर कटिंग कोर्स के साथ ही हम लोग जो है वो हेयर कलरिंग कोर्स भी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन तमाम कोर्सेज के जो है वो सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। ओके सारा, कैसी हैं आप? ठीक है। और तो ये सारे कोर्सेज हम लोग, यानी इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हुए हुए हैं। अक्सा रानी, ओके अक्सा, अरीबा जट, ओके अक्सा रानी, ठीक है। और नाम तो आप लोग मेरा जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि माय नेम इज़ आयशा महफूज, ठीक है। और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। डियर, जो ऑनलाइन मेकअप कोर्स है उसकी जो है जस्ट 2000 रुपीज़ फीस है उसकी, और वो 3 मंथ्स के लिए है। और आपको फर्स्ट टाइम जो 2000 रुपीज़ पे करने हैं, उसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इट्स अ 3 मंथ कोर्स, इट्स अ कंप्लीट डिटेलिंग कोर्स जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाता है, कंप्लीट आपको जो है वो मेकअप लुक्स करके दिखाई जाती हैं विद हेयर स्टाइलिंग। तो हेयर स्टाइलिंग सिखाई नहीं जाती, वो उसका एक अलग कोर्स है, बट हेयर स्टाइलिंग के साथ आपको जो है वो कंप्लीट लुक दिखाया जाता है। उसके अलावा आपको कस्टमाइज बेसिस बताई जाती हैं, और आपको जो है वो तमाम नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन बोर्ड, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप उसको जो है वो, आई नो अबाउट यू, यस आई नो मरियम कि तुम सबसे ज़्यादा जानती हो मुझे, तो ना तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। तो अभी तो हमारा कोर्स चल रहा है, बट इंशाल्लाह हमारे यहाँ से कंप्लीट होते ही हम ज्वाइन करेंगे। वेरी वेलकम, आप लोग जब भी ज्वाइन करना चाहें आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको तमाम जो है वो डिटेल्स दी जाती हैं ऑन बोर्ड, आपको लेक्चर्स जो है वो लिख के भी बताए जाते हैं, आपको डिटेल्स में बताए जाते हैं, आप लोगों को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी बताया जाता है, आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट भी बताया जाता है, आपको उनके रिजल्ट्स भी दिखाए जाते हैं, और आपको कस्टमाइज बेसिस भी बताई जाती हैं। और जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है वो सब भी बताया जाता है। अच्छा जी, मैं किस अकाउंट पे फीस सबमिट करा सकती हूँ?
बिकॉज आई वॉन्ट. ओके, हम लोग मेरा जो है वो मैंने अपना नंबर अपने तमाम रील्स पे स्टोरीज पे मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर मेंशन करती रहती हूँ कि मेरा एक ही नंबर है जो कि मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मोबाइल, तो मैंने एक ही नंबर रखा हुआ है, वही मेरा पर्सनल नंबर है, वही मेरा प्रोफेशनल नंबर है. मैंने इसके अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं करती. तो आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है? और मेरा वही व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरा इजी पैसा अकाउंट भी है, तो आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज पे मुझसे जो है वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी फीस भी वहीं सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है? तो जो है मेरा इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ, अटैच कर देती हूँ. जी गाइज, यहाँ पे जी जी बिल्कुल. जस्ट मेकअप के जो है वो 2000 रुपीज़ कोर्स है, ठीक है? कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बाद आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? इट्स अ 3 मंथ्स कोर्स. इसके अलावा जो हमारे सेकंड कोर्स चल रहा है वो हमारा चल रहा है हेयर कटिंग प्लस हेयर केमिकल. कहीं भी इतने लो चार्जेस नहीं रखे गए, लेकिन मैंने इसलिए कम चार्जेस रखे हैं ताकि बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अंदर ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं कि वो सब सीखें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें. तो बस एक जो है वो पॉइंट मेरे माइंड में है कि मैं मुझसे अगर किसी को कोई फ़ायदा मिलता है तो मैं उसे ज़रूर दूं, इसलिए मैं हमेशा जो है वो कम चार्जेस ही रखती हूँ. हालांकि लोग मुझसे कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा है और तुम वसूल नहीं करती हो, बट इट्स ओके. कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के लिए भी करते हैं, और चार्जेस रखने का मकसद ये होता है क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोडक्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप समझ सकते हैं उसको. और दूसरा जो है प्रॉपर वक्त देना होता है, प्रॉपर टाइम देना होता है, प्रॉपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी होती है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करनी होती हैं. इसके अलावा जो हमारा मेकअप के अलावा जो हमारा हेयर केमिकल प्लस हेयर कटिंग कोर्स चल रहा है, इसके चार्जेस जो हैं वो जस्ट 3000 रुपीज़ हैं. ये भी 3 मंथ का कोर्स है, और उसमें 3 मंथ के कोर्स में आपको 2 कोर्सेज कम्बाइन करके सिखाए जा रहे हैं, और इसमें भी आपको जस्ट वन टाइम पेमेंट करनी होती है, देन आपको पूरे कोर्स में कोई और पेमेंट नहीं करनी होती, ठीक है? मैं इसी नंबर पे सबमिट करवाऊंगा. जी डियर, आप पहले मुझे इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है? अपना नेम मेंशन करिए, और देन फिर आप मुझे इसी नंबर पे पेमेंट करके अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेमेंट कर रहे होते हैं और हम सबका स्क्रीनशॉट इसीलिए लेते हैं ताकि उनका जो एक मखसूस इजी पैसा अकाउंट आईडी आ रहा होता है उसी से हम सबको जो है वो सेपरेटली चेक करते हैं, ताकि कोई किसी दूसरे के पेमेंट पर क्लेम ना कर सके. तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और उसके बाद आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाता है और देन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? क्लासेस जो हैं वो हमारी लाइव भी होती हैं, जैसे आज मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ, इसी तरह हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी रहती हैं, ताकि अगर कोई किसी भी वजह से क्लास मिस कर देता है तो उसका वो जो लॉस है वो ना हो, उसको वो अगेन प्रोवाइड कर दी जाती है. और आप लोग जो हैं वो मेरे साथ कनेक्ट रहा करें, और इसके अलावा आप लोगों को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप कर सकते हैं. देन मैं आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट भी शो कर देती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले साल से लेकर अब तक काफ़ी सारे बैजेस को जा चुके हुए हैं और गर्ल्स वसूल कर चुकी हुई हैं. थैंक यू डियर, थैंक यू सारा. आपके अप्रिसिएशन का, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के अप्रिसिएशन से जो है वो मज़ीद हौसला अफजाई होती है, और दिल चाहता है कि मज़ीद अच्छे से अच्छा आप लोगों को मेकअप करके दिखाया जाए और आप लोगों को डिटेल्स और थ्योरी दी जाए. ईश्वर मुझे ज़रा सर्टिफिकेट दिखाएगा वहाँ पर रखी हुई.
काट लिया आएगा, ये स्टिक से है जी। और ये गाइस हम लोगों का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये मेरे सैलून का सर्टिफिकेट है। जो गर्ल्स जो हैं वो मेरे पास से ऑनलाइन कोर्स करती हैं, ठीक है, और जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट करती हैं और अपनी प्रैक्टिस शो करती हैं, पूरे 3 मंथ्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़ी रहती हैं और अपनी प्रैक्टिस शो करती हैं, अपना जो है वो क्वेश्चन आंसर करती हैं और अपनी जो है वो पूरा प्रॉपर मतलब शो करती हैं कि उन्होंने सीखा है, जो भी उनको समझाया और बताया गया है, तो देन उनको जो है इन द एंड जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। ये देखिए आप लोग, ये मेरे सैलून का सर्टिफिकेट है और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे बहुत सारे बैजेस की बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो रिसीव कर चुकी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे कोर्स जो है पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ साथ बाहर के बहुत सारे ममालिक में जो है वो मेरे कोर्स कर रही हैं, गर्ल्स करती हैं और करती आई हैं और उनको भी जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेकअप को बड़ा इजी समझते हैं और ब्यूटिशियन को समझते हैं कि इनका तो कोई इतना वो नहीं है, जबकि जो है ब्यूटिशियन जो है वो अपना पूरा 100% कर रही होती है। ख़ास बात ये होती है उसमें कि आप लोगों को लगता है कि यार ये तो बस चुटकी बजाया और तैयार सामने वाला, जबकि जो अगर अभी सबमिट करवाऊँ वैसे तो क्लास कब से स्टार्ट होगी जनरल डियर, अभी आप सबमिट करवाएंगी और अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगी तो जो है वो आपकी क्लास जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और आज क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होनी थी आज से, तो आज मैं इसीलिए लाइव आई हूँ ताकि मैं आप सबसे बात कर सकूँ और जो भी मेरी स्टूडेंट्स ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हो चुकी हुई हैं उनके साथ मिल लूँ, उनसे बात कर लूँ, उनके दिल में अगर कोई क्वेश्चन है कोर्स को लेकर मुझ को लेकर तो वो आज मुझसे बात कर सकें और मेरे साथ अटैच हो सके। और लाइव आने का मकसद ये होता है कि ऐसा लगता है जैसे हम दो लोग या हम बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए गैदरिंग में और गपशप कर रहे हैं, तो बस इसीलिए मैंने आज लाइव क्लास की है ताकि जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो भी ले लें। ओके सारा, ठीक है, आप अपना जो है स्क्रीनशॉट मस्ट सेंड कर दीजिएगा डियर। और आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है कोर्स को लेकर चीज़ों को लेकर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अक्सा हैं और मरियम हैं, सोनिया हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मेरे जो मेकअप का कोर्स है उसके अंदर जो है वो आपको तमाम पहले जो है वो स्किन एनालिसिस के बारे में बताया जाता है, आपको स्किन प्रेप करने के बारे में बताया जाता है कि आपको अपनी स्किन कैसे प्रेप करनी है, कौन सी स्किन को कितना प्रेप करना है, ये सब भी नॉलेज दिया जाता है। और जो है वो आपकी किस किस्म की स्किन है और उसके ऊपर किस तरह का मेकअप आपको करना चाहिए, कितनी बेस की ज़रूरत है, किस तरह के फेस शेप के ऊपर किस तरह की कॉन्टोरिंग चाहिएगी, किस तरह के जो हैं वो कलर्स आपको यूज़ करने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। अभी जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो मेरा अपना भी एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो बस ये सब चलता रहता है और जो है वो लाइफ इसी का नाम है। और आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कीजिए। और जो हमारी हेयर कटिंग की क्लासेस हैं उसमें जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी पे भी अभी आज क्लास मेंशन किया है हेयर कटिंग की, तो हेयर कटिंग की क्लासेस के अंदर भी आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई जाती हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, टूल्स दिखाए जाएंगे, आपको नोट्स बताए जाएंगे, आपको कटिंग करके दिखाई जाएगी, यानी आपको हेयर डिग्रीज के बारे में बताया जाएगा, आपको हेयर सेक्शनिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपके कौन से हेयर कटिंग के ऊपर आपको कौन सा हेयर सेक्शन किस तरह से बनाना है
और क्या आप लोगों को किस तरह के हेयर्स के अंदर कौन से कटिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेगी। तो ये इन सारी बातों का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। यानी हमें कटिंग अगर आती है और हमें ये नहीं पता कि किस तरह के बालों में किस तरह की कटिंग अच्छी लगेगी, अगर आपके जो है वो बाल बहुत थिन हैं और आपने जो है वो उनके ऊपर जो है कटिंग भी ऐसी कर दी है जिससे वो मज़ीद बिल्कुल एक पूछल की तरह या धुम की तरह लगने लगे, तो उस कटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी वो बेकार जाएगी। लेकिन अगर आपके बाल बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं, बिल्कुल हल्के हैं और उसके ऊपर आपने ऐसे ही कटिंग दी है अपनी क्लाइंट को कि उसके बाल वॉल्यूमाइज हो गए हैं, उसके बाल खूबसूरत हो गए हैं, उसके बाल जो है वो उसकी जो थिननेस है वो ख़त्म हो गई है और उसको उस थिननेस के अंदर ही आपके बालों के अंदर जो है वो वॉल्यूम आ गया है, तो वो आपको आपकी कटिंग के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। डियर पिंपल्स के लिए फाउंडेशन देखिए डियर, डिफरेंट स्किन्स होती हैं, हर स्किन का जो है ना वो अलग टेक्सचर होता है और हर तरह की स्किन के ऊपर जो है ना एक ही तरह की फाउंडेशन नहीं चलती। और फाउंडेशन जो आप लोग पूछते हैं ना डियर, तो कोई भी ब्यूटिशियन आपकी स्किन को देखे बगैर, आपकी टोन को जाने बगैर आपको फाउंडेशन नहीं बता सकता। वरना जो है वैसे जो है जो एक्ने प्रॉन स्किन होती है उसके ऊपर जो है वो लिक्विड स्किन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो है वो उनके ऑलरेडी स्किन बहुत एक्नी होती है और उसके ऊपर जो है अगर आप क्रीम वाला लगाएंगे तो क्रीम जो क्रीमी फाउंडेशन होते हैं वो ऑलरेडी हाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है, तो वो और ज़्यादा जो है वो स्किन बहुत पैची पैची और चिकन चिकन केकी सी लगने लगती है। लेकिन जब आप उसको मैट फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो वो आपके जो ऑयली स्किन होती है उसका ऑयल कंट्रोल करते हैं और आपकी स्किन के ऊपर बहुत देर तक मेकअप अच्छे से रहता है। देखिए बेसिक होती है टेक्निक, ये बात समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि बेसिक टेक्निक होती है। अगर आपके पास टेक्निक है तो आप मेकअप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो फिर आप जो है वो ब्रांडेड मेकअप लेके भी जो है ना वो उसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कैसा हो सकता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हमें टेक्निक्स का आना बहुत ज़रूरी है। आप तो टेक्निक्स का आना बहुत ज़रूरी है, और टेक्निक्स कैसे आती हैं वो सिर्फ देख के नहीं आती। बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि बस हम पार्लर गए, हमने पास खड़े होके देखा मैम के और हमने सीख लिया, ठीक है। तो इस सीखने में और लेक्चर्स लेके थ्योरी के साथ इंफॉर्मेटिवली सीखने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये बात मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि एक देख के सीखने में और एक समझ के सीखने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए एक जो होता है ना, एक अब लाइक जैसे मेरी स्किन है, ठीक है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, ठीक है, और इसके ऊपर डिफरेंट तरीके से मेकअप होता है। इसी तरह अब अगर किसी ने, एक स्टूडेंट आया, उसने एक बंदे से कहा कि जी ये फेस है इसके ऊपर मेकअप कर दें, अब जो मेकअप कर रहा है उसको पता है कि वो किस फेस पे किस टेक्निक के साथ मेकअप कर रहा है और वो फ्लॉलेस आएगा। आपको नहीं पता कि आपने ये स्किन दी है, ये फेस दिया है, आपने इसके ऊपर हुआ हुआ मेकअप देख लिया। अब अगर आप यही मेकअप जो है वो एक्ने वाले स्किन के ऊपर जाके करेंगे तो वो 100% नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना और समझना बड़ा ज़रूरी होता है, इन सारी बातों का नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी होता है। लोग जो है ना वो अभी भी बहुत सारे सैलून्स में ऐसा होता है कि वो आपको समझाते नहीं हैं, बस आपका प्रोडक्ट पकड़ते हैं। और नॉर्मली तो अक्सर सैलून्स में प्रोडक्ट भी अपना लिखवाते हैं कि बस यही वाला प्रोडक्ट आप लाएंगे और यही वाला आप अप्लाई करेंगे, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है लड़कियों को। कि एक तो आप सैलून्स के जो चार्जेस ही हैं वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए, ठीक है। मैं आपको सच बताऊँ, मैं खुद जो है वो मालूम करती रहती हूँ ताकि पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। अभी जो तकरीबन कोर्सेज हो रहे हैं वो तकरीबन सैलून्स में अगर आप जाके कर रहे हैं तो वो तकरीबन जो है वो 1.5-2 लाख रुपए के कोर्सेज हो रहे हैं, और उसमें भी वो आपको एक टाइम लाइन दे देते हैं कि ये आपका टाइम लिमिट है, इसमें आपने जो है वो
कोर्स करना है और उसमें भी वो गारंटी नहीं करते, इट्स अप टू योर माइंड कि आपने क्या सीखना है और आप कितना पिक करते हैं। हमारा तो काम है, हमने आके आपको सिखाना है, मॉडल आपका, प्रोडक्ट आपका, ठीक है, और फीस आपने दी हुई है और समझना भी आपने कि आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, इट्स योर हेडेक। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं जब हम सैलून्स में पेमेंट करते हैं, हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मेरे पास चाहे ऑफलाइन कोर्सेज करें घर जाके सैलून में या ऑनलाइन कोर्सेज करें, मैं अपना 100% जो है वो पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना 100% उनके अंदर उंडेल दूँ कि जब वो मेरे पास जाएं तो वो प्राउडली कह सकें कि हाँ हमने सीखा है, हमें आता है और हम कर लेंगे। वरना तो एक सीखना वो भी होता है जो हमने देख के सीखा होता है कि बस ये मेकअप हमने इसके फेस पे देखा, ये ऐसे ही हर फेस पे करना है, तो उसमें और उस सीखने में फर्क होता है। तो अब मेरी जो है ये कबर्ड में से आधा सामान अभी मैंने निकाला हुआ है, शायद आप लोगों को अभी शायद नज़र ना आए। चलिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमिंग डेज में जो है वो अपनी जो मेकअप स्पेसिफिक कबर्ड है पूरी जिसके अंदर सिर्फ मेकअप का सामान समाया हुआ है उसका भी विजिट करवाऊंगी। बहुत सारी गर्ल्स जो है मेरी स्टूडेंट्स मुझसे कहती रहती हैं कि आप अपना जो है वो दिखाइए, तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में अभी जब मेकअप की क्लासेस आएंगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बहुत सारा प्रोडक्ट दिखाऊंगी। देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं मौजूद, हम वीडियोस में देखते हैं और हमें खूबसूरत लगता है उसका रिजल्ट और हम क्या करते हैं जाते हैं शॉप पर वो जाके परचेज कर लेते हैं, लेकिन परचेजिंग के बाद क्या होता है कि हमें उस चीज़ का एप्लीकेशन नहीं आ रहा होता और बहुत सारी जो वीडियोज हम देख रहे होते हैं उसके अंदर इतनी एडिटिंग हुई होती है, आपको लगता तो ये कि यार फौरन हो जाएगा। हाय आफरीन, तो फौरन हो जाएगा लेकिन क्या है कि आपको उसको एप्लीकेशन नहीं करके दिखाई जाती, आपको दिखाया जाता है सामने से ये देखिए मैंने ये डॉट 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 सारे लगा दिए, पिंक रेड येलो सारे लगा दिए और ये ब्रश मारा और ये स्किन क्लियर, बट उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं दिखाते। मैम प्लीज बता दें, अच्छा अब जो हमारा मेकअप कोर्स है डियर वो 3 मंथ का कोर्स है और उसके चार्जेस जो है वो जस्ट 2000 रुपीज़ हैं 3 मंथ के कोर्स की, ठीक है। इसके अलावा कोर्स से में फीस की मत में आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। और आमना हाइड्रोफेशियल होता है वो मशीन से होता है, हाथों से होता है, हाइड्रोगेशन हो जाता है डियर। आपको हाइड्रोफेशियल यूज़ करने के लिए भी आपको जो है वो मशीन यूज़ करने के भी टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। जो फेशियल जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, एक तो हम हाथों से कर रहे होते हैं उसकी मूवमेंट में, और जो हम जो है हाइड्रोफेशियल गलवानिकली कर रहे होते हैं, गलवानिक मशीन से कर रहे होते हैं, उसके प्रेशर का भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप लोगों को उसका प्रेशर भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्किन कितना प्रेशर बर्दाश्त करेगी और कौन सी स्किन पे कितना प्रोडक्ट यूज़ करना है और उसके ऊपर कैसे जो है ये सारा कुछ करना है। तो देख के सब कुछ बहुत आसान लग रहा होता है लेकिन एक ब्यूटिशियन की ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती। वो अगर किसी पॉइंट पे पहुंचता है, हाईली पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी स्ट्रगल होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे जो है वो जी हफ्सा मैंने आपको फ़ीस बता दी है कि मेकअप कोर्स की फ़ीस डियर जो है वो जस्ट 2000 रुपीज़ है 3 मंथ्स की, ठीक है। और जो है वो हेयर कटिंग और हेयर केमिकल अगर आप करना चाहते हैं कोर्स तो उसकी जस्ट 3000 रुपीज़ है। ये 2 कोर्स कंबाइन करके हम दे रहे हैं और ये 3 मंथ का कोर्स है, मेकअप का कोर्स भी 3 मंथ्स का है, ठीक है। और हेयर केमिकल के अंदर जो है वो आपको कैप स्ट्रिकिंग भी बताई जाएगी, आपको जो है फैशन डाई भी बताया जाएगा, आपको रूट टचअप बताया जाएगा यानी आपको ग्रे कवरेज भी बताई जाएगी, और आपको जो है वो बालों को कट डाउन करके उनके ऊपर अपनी मर्जी का कलर कैसे अप्लाई करना है और वो कलर कैसे जो है वो पहचानना है और आपको शेड्स कैसे जो है वो करने हैं ये सब भी बताया जाएगा, और आपको हेयर कैराटिन भी बताई जाएगी कि कैसे करनी है, ठीक है।
और ये सब हेयर केमिकल के अंदर आएगा। और इसी तरह हेयर कटिंग के अंदर आपको तमाम हेयर टूल्स बताए जाएंगे, आपको तमाम हेयर सेक्शंस बताए जाएंगे, कौन से हेयर कटिंग के लिए कौन से हेयर सेक्शंस बनाने ज़रूरी होते हैं, सीजर को हॉरिजेंटली पकड़ना है, वर्टिकली पकड़ना है, कौन से फेस पे कौन से हेयर्स अच्छे लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। डियर इट्स अप टू यू कि आप कितना गुड़ डालते हैं हफ्सा फेशल्स जो होते हैं। अगर आप जो है मैनुअल फेशल ले रहे हैं तो वो सारा खेल जो है वो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपके हाथों की मूवमेंट का होता है, ठीक है। अगर आपकी हाथों की मूवमेंट और आपके प्रेशर पॉइंट्स परफेक्ट हैं तो रिजल्ट परफेक्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट होते हैं उनको उनके फेशल के जो है रिजल्ट्स परफेक्टली जो है वो मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप चेयर से उठने से पहले आपको आपके रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। तो मैं अपने हर काम में अपना 100% देती हूँ। गोल्ड फेशियल बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है। जेंसन का फेशियल बेहतरीन है, ठीक है। और इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का फेशियल लेना चाहती हैं और आपकी स्किन कैसी है, ठीक है। और अब बहुत टाइम हो गया था, मैंने बहुत सारे टाइम से जो है सोशल मीडिया को जो है वो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब जो है वो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो हूँ वो डे बाय डे इंशाल्लाह कमिंग डेज में ज़रूर लाइव आती रहूँ और लाइव भी आप लोगों को मेकअप करके दिखाती रहूँ और लाइव भी हम लोग जो है वो बातचीत करते रहें। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। तो नंबर मैंने यहाँ पे अपना मेंशन कर दिया है, यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा एक ही नंबर है जो कि प्रोफेशनली यूज़ करती हूँ, पर्सनली यूज़ करती हूँ। आप लोग मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कोर्सेज के मुताबिक, कोर्सेज से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे मैंने आपको भी मेंशन किया है कि यह हमारे सैलून का सर्टिफिकेट है जो कि कोर्स कंप्लीट होने के जो है बाद वो आप लोगों को दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर तमाम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मेरे साथ कोर्स कर रही हैं, चाहे वो जर्मनी है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है जो है, और बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, तमाम तकरीबन सिटीज़ हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, विलेजेस हैं जहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख रही हैं, बहुत अच्छे से अपना जो है वो शो करती हैं अपनी एक्टिवनेस। और कोर्सेज से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो और गाइज मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो मैंने अभी जो कलर किया है वही ये मैंने अपने हेयर्स पे खुद अप्लाई किया है। ये आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाल कहीं से कोई बाल डैमेज नहीं है, बालों की शाइन ख़त्म नहीं हुई है, बालों के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया है। तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज पूरा होता है, हमें हेयर्स के बारे में पता होता है तो हम उसको एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। और कभी भी हेयर केमिकल को हल्का नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार बस लगा दिया 40 वॉल्यूम है या 20 वॉल्यूम है या 30 वॉल्यूम है बस लगा दिया और भूल गए। तो ये ऐसे काम हैं जिसमें आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं, आपके बाल ख़त्म भी हो सकते हैं, इसलिए ये सारे कोर्सेज जो हैं सीख कर समझ कर ही एप्लीकेशन करनी चाहिए।
और आपको 100% गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है, तो कभी भी सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमेशा ये सोच के काम करना चाहिए कि ये हमारे क्लाइंट हैं, इन्होंने यहाँ से सेटिस्फाई होंगे तो ये आगे जाएंगे और आपके बारे में लोगों से डिस्कस करेंगे। इट्स अप टू यू कि आपका काम कैसा है। अगर आप अपना काम 100% प्योरिटी लॉयलिटी के साथ देते हैं और उसके 100% रिजल्ट आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ होके गया है, आपके काम से नाखुश है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको मज़ीद समझने और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहें? अभी कमिंग डेज में इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी रील्स भी आएंगी, बहुत सारी स्टोरीज भी लगाऊंगी मैं। मुझे शर्मीन, हाय शर्मीन, अच्छा मैं अक्सर बहुत ज़्यादा देर से आती हूँ, 11 बजे 12 बजे, तो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो अक्सर जो है वो लेट नाइट में अवेलेबल होते हैं। आज मैं बहुत टाइम बाद बहुत जल्दी आ गई हूँ और जो है वो अक्सर जो है मैं ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब पे ही लाइव आ रही होती हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह अपनी रेगुलर रूटीन बनाऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी हमारी बातचीत होती रहेगी। आप लोग सब जो हैं वो मेरी रील्स को और मेरी स्टोरीज़ को ज़रूर फॉलो किया करें, मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप लोगों को जो है कमिंग डेज में आने वाली क्लासेस के बारे में नॉलेज मिलता रहे। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का हेयर केमिकल, हेयर कटिंग या फिर ऑनलाइन मेकअप कोर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देन फिर जो है वो हमारी क्लासेस के लिए जो है वो मज़ीद प्रिपरेशंस चल रही होती हैं। और और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का गाइस कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इस तक हमारे 3 कोर्सेज एक साथ चल रहे हैं, मेकअप ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, हेयर कटिंग कोर्स है, और हेयर कटिंग कोर्स के बाद इंशाल्लाह हमारा हेयर कलरिंग कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको डिटेल थ्योरी दी जाएगी। आयशा खान, हाय आयशा खान, कैसी हैं आप? गर्ल्स आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? यस आई एम मेकअप आर्टिस्ट, और हमारे यहाँ इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे यहाँ मेकअप कोर्स चल रहा है, ठीक है, और प्लस हमारे यहाँ जो है वो कंबाइंड कोर्स चल रहा है हेयर कटिंग एंड हेयर केमिकल का, ठीक है। हमारा हेयर कोर्स जो हेयर कटिंग और हेयर केमिकल चल रहा है, उसके चार्जेस जस्ट 3000 है फॉर 3 मंथ्स, और जो है हमारा जो ऑनलाइन मेकअप कोर्स चल रहा है उसकी हमारे जस्ट 2000 रुपीज़ फीस है, जिसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं है। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ अपना नंबर पिन कर दिया है, ठीक है, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर, आप में से कोई भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है।
आप करना चाहते हैं या आपसे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता है ज्वाइन, उसको भी आप करवा सकते हैं। जैद, हाय जैद। अच्छा गाइस, आई थिंक सो, आई होप सो, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कमिंग डेज में बात होती रहेगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब तकरीबन डेली बेस पे ज़रूर आऊँ लाइव, या अगर डेली बेस पे नहीं भी आ सकी तो इंशाल्लाह मंडे, वेनसडे एंड थर्सडे या फ्राइडे को इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। आयशा खान, डियर बेस जो है ना वो हमेशा हम लोग अंडरटोन को जानकर ही यूज़ करते हैं, और आपके फेस स्किन को, आपके फेस टोन को यानी स्किन टोन को जान के फेस यूज बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपके फेस स्किन कैसी है आपकी, तो ही आपको बेस रिकमेंड की जा सकती है। उसके अलावा हमें आपकी टोन का पता होना चाहिए। बंगश, आपने क्या सवाल किया है, क्या लगाने के कितने चार्जेस होते हैं? मेहंदी, मेहंदी लगाने के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वेयर द ओकेजन, ये आपका इवेंट किस तरह का है, आप किस तरह की मेहंदी लगवाना चाहते हैं, वो उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। किसी भी चीज़ का जो है वो कोई एक चार्जेस नहीं होते। जिस तरह की आप मेहंदी पसंद करते हैं उस तरह के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अगर आपने लाइट मेहंदी लगवानी है उसके अलग चार्जेस हैं, अगर आप एंगेजमेंट इवेंट की मेहंदी लगवा रहे हैं उसके अलग चार्जेस हैं, अगर आप वेडिंग में इवेंट के मेहंदी लगवा रहे हैं उसके अलग चार्जेस हैं। डियर, आप लोग जब कोर्स करते हैं ना तो आपको उसमें नॉलेज मिलता है। प्राइमर जो होता है ना वो एक होता है मिस्ट और एक होता है विदाउट मिस्ट। जो मिस्ट होता है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो हाइड्रेटिंग होता है और वो ड्राई स्किन के लिए होता है, ठीक है। और आप जो है, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑलरेडी ऑयली है तो उसके लिए जो है वो आप वाटर बेस्ड जो है वो या वो आप क्या कहते हैं विदाउट मिस्ट प्राइमर यूज़ करते हैं। जब आपने कोर्स किया होता है तो इस कोर्स को करने से ही आपको जो है प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है, और फिर आपको जाके शॉपकीपर से ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे एक अच्छा सा प्राइमर दे दो, फिर आप उसे जाके बोलते हैं कि मुझे प्राइमर दीजिए इस तरह का, और आप उसके ऊपर से उसकी जो है वो क्वालिटी इसको पढ़ के आप फिर जो है वो परचेज करते हैं। तो कोर्सेज का मकसद ही ये है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिले। तो जब आप कोर्स करते हैं और आपको प्रोडक्ट नॉलेज होता है तो फिर आप गलत चीज़ नहीं लेके आते, वरना अक्सर ये होता है कि जब हम शॉप पर जाते हैं और हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता तो शॉपकीपर हमें अपनी मर्जी का प्रोडक्ट उठा के दे देता है, जिसको लाकर घर में जब हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं और वो हमारी स्किन पे नहीं जा रहा होता तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेके आए हैं और हमारी एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है वो खर्च हो गई है, बट ये हमारी स्किन पे अप्लाई होने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग फाउंडेशन पूछते हैं ना, ये फाउंडेशन जो है ना वो कभी भी आपकी स्किन टोन को देखे बगैर, आपके स्किन के बारे में नॉलेज किए बगैर आपको नहीं रिकमेंड किया जा सकता कि किस नंबर का आपको फाउंडेशन लगाना है या किस तरह का आपको फाउंडेशन लगाना है। इट्स अप टू यू कि आपकी स्किन किस तरह की है, आपके ऊपर क्रीमी बेस जाएगी, आपके ऊपर पाउडरी बेस जाएगी, आपके ऊपर जो है वो लिक्विड बेस जाएगी, ये सब आपकी स्किन को देखने और उसको चेक करने के बाद पता चलता है। ये सारी चीज़ें नॉलेज से आती हैं, और जब आप कोर्स करते हैं तो हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि आपको किस तरह की स्किन को देखने के बाद और आपको स्किन कैसे पहचाननी है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर कैसा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, और उसके बाद साथ साथ हम आपको जो है वो ऑथेंटिकली जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। बिल्कुल रुद्रा ब्यूटी पार्लर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी ख़राब प्रोडक्ट दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें
प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो शॉपकीपर आपको अपनी मर्जी का प्रोडक्ट देता है। जब हम लोग इस फील्ड में नहीं थे, हम भी नॉर्मल इंसान ही हैं, हम लोग भी जब पैदाशी ब्यूटिशियन नहीं हैं, हम लोग ने भी एक टाइम तक जो है वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए या हमने जाके दुकानदारों के ऊपर ट्रस्ट करके उनसे प्रोडक्ट लिया और बहुत लॉस भी किया है, क्योंकि कभी तो प्रोडक्ट सही बैठ जाता है आपकी स्किन पर, कभी जो है वो आपकी स्किन के लिए नहीं होता, तो क्या होता है वो आपका लॉस होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको जो है ना वो पुश करती हैं कि आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज लें। हम कोई भी चीज़ परचेज करें, हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या चीज़ परचेज की है, उसकी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और वो हमारे स्किन पे जाती भी है या नहीं जाती। तो इसी के लिए हम कोर्स करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास से कोर्सेज करके जा चुकी हैं वो अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो परचेज करने की अहलियत रखती हैं, परचेज करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अपना सैलून स्टार्ट कर चुकी हुई हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि जब आपसे सीख के कोई जो है वो आपकी लाइन पर चल पड़ता है और आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी तरह काम करने लगते हैं। क्या क्या करोगी तो मैम, रुद्रा ब्यूटी पॉलर्स क्या पूछ रही हैं आप भी है? बहुत लोग जो है ना वो ब्यूटिशियन की जो फील्ड होती है ना उसको बड़ा एज पर ग्रांटेड लेते हैं कि मेकअप तो है, और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में और एक बगैर सीखे हुए मेकअप आर्टिस्ट में, यानी जो जिसने बस देख के किया है मेकअप उसके मेकअप में और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो जब आप मेकअप करवाते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपके ऊपर मेकअप किया गया है या थोपा गया है, तो वो आपके ऊपर जाता है। तो हमेशा मेरे ख्याल में जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई भी काम जो है ना उसमें आप बगैर मेहनत के आगे नहीं जा सकते। अच्छा गाइज, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कमिंग डेज में ज़रूर मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6-7-8 बजे के करीब ज़रूर आ जाया करूँ और कम से कम 1 आवर आप लोगों के साथ ज़रूर स्पेंड करूँ। डेली आना तो मुश्किल है, बट आप लोग मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज को फॉलो करते रहिए ताकि आप लोगों को मेरे लाइव नोटिफिकेशन मिलते रहें। थोड़े क्वेश्चन करने आपसे, थोड़ा मुझे डाउट है तो क्लियर करने के लिए, बिल्कुल आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। मेरी तमाम कंट्रीज के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सेटिस्फाइड रहते हैं, और जो लोग मुझसे कोर्स लेके कंप्लीट कर लेते हैं देन उनको इन द एंड जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ मैंने अपना नंबर मेंशन किया है गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से डेली बेसिस पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ, उनसे उनके तमाम क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है आपसे बात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।